located alongside the holy river of Shipra. इस मंदिर को कई बार reconstruct किया गया, पर इस बार मान्यता वाले इस मंदिर का ऐसा रूप देखेंगे जिसे देखकर मेरे साथ आप भी कहेंगे I love my India. गुजरात के सोमनाथ, उत्तराखंड के केदारनाथ, काशी के विश्वनाथ और तमिलनाडु के रामेश्वर के बाद मैं आ गई हूँ मध्य प्रदेश के मशहूर महाकालेश्वर मंदिर में। जय महाकाल। तो क्या है इस मंदिर की कहानी और क्या नया हुआ है इस मंदिर में, चलिए पता करते हैं। मैंने तो सोचा था कि ये मंदिर डेडिकेटेड है भगवान शिव को, पर यहाँ आकर पता चला कि नए महाकाल लोक में आपको सभी देवी देवताएं मिलेंगी। इनफैक्ट यहाँ आप रावण का भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं व्हेन ही इज लिफ्टिंग द कैलाश पर्वत। Located in the historic city of Ujjain, ये मंदिर हिंदुस्तान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। The Mahakaleshwar Ujjain Temple is well connected by railway, airway and road. ये उज्जैन रेलवे जंक्शन के बहुत ही नजदीक है, just about 1 km or 15 minutes walk away. और यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट है इंदौर एयरपोर्ट। ये मंदिर 6th century AD में बिल्ड किया गया था by कुमार सेना, the son of the former king of Ujjain, Chand Pratyod. Mahakal temple mein enter hone se pehle bahar ek aur temple hai jahan Bharat Mata ki 16 feet lambi murti ki sthapna ki gayi hai. Hindustan ke 12 jyotirlingon mein se ye ek akela hi jyotirling hai that is south facing, signifying the lord of time and death. यहाँ लोग आते हैं टू प्रे एंड प्रिवेंट फॉर एन अनटाइमली डेथ। भगवान शिव को महाकालेश्वर या समय के भगवान के रूप में जाना जाता है और उज्जैन का ये ऐतिहासिक मंदिर हिंदू देवता के इस रूप की पूजा करता है। इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि दुनिया भर से इस मंदिर में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग हर साल आया करते हैं। पर क्या इस मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था जो इतने लोगों को संभाल सके? वेल, नॉट सो मच, एंड दैट्स व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी डिसाइडेड टू गिव दिस टेंपल अ न्यू लुक। इनफैक्ट द गवर्नमेंट हैज अलॉटेड ओवर 800 करोड़ रुपीज फॉर द रेनोवेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट।